साइलेंस आपके सबसे असाधारण सपनों को साकार करने की कुंजी है। यह आपकी कल्पना से परे जीवन के लिए एक द्वार की तरह काम करती है। इस क्षण में आपके पास अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। यह सब आपके भीतर की शांत जगह में कदम रखने से शुरू होता है। सोचे कि आप वास्तव में कितनी बार खुद को चुप रहने की अनुमति देते हैं। हमारे लगातार शोरगुल वाले दुनिया में हम सूचनाओं, विचारों और ध्यान भटकाव से घिरे रहते हैं। हमारा मन अनंत काल तक बातें करता रहता है, अतीत को दोहराता है और भविष्य की चिंता करता है। यह शोर हमें हमारे सच्चे स्व और हमारी असीमित संभावनाओं से अलग कर देता है। साइलेंस को अपनाने से कुछ जादुई होता है। आप अपने भीतर छिपे रचनात्मकता, ज्ञान और शक्ति के स्रोत तक पहुंचते हैं, जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था। यह ऐसा है जैसे रेडियो की आवाज को कम कर देना और अंत पृष्ठभूमि में बज रहे खूबसूरत गाने को सुनना। साइलेंस में आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं, न कि वह आलोचनात्मक आवाज जो संदेह और न्याय करती है, बल्कि वह बुद्धिमान प्रेममयी आवाज जो आपकी सच्ची कीमत जानती है। यह आवाज आपके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करती रही है, लेकिन इसे दुनिया के शोर और आपके व्यस्त विचारों ने दबा दिया है। जैसे जैसे आप साइलेंस का अभ्यास करते हैं, आप अपने भीतर बदलाव देखेंगे। आपका मन स्पष्ट हो जाता है, जैसे एक शांत झील आसमान को प्रतिबिंबित करती है। समस्याओं के समाधान जो कभी असंभव लगते थे, अब दिखाई देने लगते हैं और विचार और प्रेरणा सहज रूप से बहने लगती हैं। आप एक ऐसी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि ये परिवर्तन आपके भीतर ही नहीं रुकते। जैसे जैसे आप आंतरिक साइलेंस को बढ़ावा देते हैं, आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अवसर बिना किसी चेतावनी के प्रकट होने लगते हैं। सही लोग आपके जीवन में सही समय पर आते हैं और जो चीजें आपको पहले परेशान करती थी, वे अब आपको परेशान नहीं करती। आप खुद को एक ऐसे प्रवाह की स्थिति में पाते हैं जहां जीवन सहजता और अनुग्रह के साथ अनफोल्ड होता है। यह सिर्फ कल्पना या नई उम्र की बातें नहीं है, यह न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स में अत्याधुनिक शोध द्वारा समर्थित है। जब आप ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क की संरचना और कार्य को बदल देते हैं, नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और रेजिलियंस का समर्थन करते हैं। क्वांटम स्तर पर आपके विचार और भावनाएं उन ऊर्जा क्षेत्रों के साथ संपर्क करती हैं जो आपके चारों ओर हैं। आंतरिक अशांति की स्थिति में आप स्टैटिक का प्रसारण करते हैं, लेकिन जब आप आंतरिक साइलेंस को बढ़ावा देते हैं, तो आप एक स्पष्ट चैनल बन जाते हैं जो एक उच्चतर आवृत्ति पर प्राप्त और प्रसारित करने में सक्षम होता है। इसे रेडियो ट्यूनिंग की तरह सोचें। जब आप नकारात्मक विचार पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में फंसे होते हैं, तो आप एक ऐसे स्टेशन पर ट्यून करते हैं जो केवल समस्याएं और सीमाएं बजाता है, लेकिन उस शांत स्थान तक पहुंचकर आप एक नई आवृत्ति, असीमित संभावनाओं और प्रचुरता की आवृत्ति को प्राप्त करने लगते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि आपको इस परिवर्तन को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको संघर्ष या दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने रास्ते से हटने और अपने शरीर और मन की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को अपना जादू दिखाने की अनुमति देने की आवश्यकता है। साइलेंस स्वीकृति की स्थिति का द्वार है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग सोच सकते हैं, यह तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जीवन अराजक है, मेरे पास चुपचाप बैठने का समय नहीं है। हम सभी के पास जिम्मेदारियों और मांगों से भरी व्यस्त जिंदगी है, लेकिन यहाँ बात है, इस यात्रा को शुरू करने के लिए आपको घंटों की अविच्छिन्न शांति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि कुछ मिनट प्रतिदिन भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। छोटा शुरू करें, हर सुबह 5 मिनट निकालें ताकि आपका दिन शुरू होने से पहले आप चुपचाप बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें
और बस अपने विचारों को बिना उलझे देखें। यदि आपका मन भटकता है तो धीरे से अपनी ध्यान को वापस अपनी सांस पर लाए। कोई विशेष तकनीक या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप इसे एक दैनिक आदत बनाते हैं, उस आंतरिक शांत स्थान तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक व्यस्त दिन के दौरान भी आप तनावपूर्ण स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहराव और केंद्रित होने की क्षमता विकसित कर लेंगे, जिससे आप स्पष्टता से निर्णय ले सकेंगे न कि भ्रम से। समय के साथ आप अपने शांत समय को 15 मिनट या यहाँ तक कि 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि मात्रा के बारे में चिंता न करें, आपकी ध्यान की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। 5 मिनट की सच्ची उपस्थिति 1 घंटे की विचलित ध्यान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब चलिए देखते हैं कि जब आप लगातार अपने भीतर इस शांत स्थान तक पहुंचने का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है। आप एक ऐसी स्थिति का अनुभव करना शुरू कर देंगे जिसे मैं सामंजस्य कहती हूँ, जहाँ आपके विचार, भावनाएं और शारीरिक शरीर सभी संरेखित होते हैं। यही वह समय होता है जब असली जादू शुरू होता है। सामंजस्य में आप सकारात्मक अनुभवों और अवसरों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपको ठीक वही लाने की साजिश कर रहा हो जिसकी आपको आवश्यकता है। आप इसे संयोग या भाग्य कह सकते हैं, लेकिन यह संभावनाओं की उच्च आवृत्ति में ट्यूनिंग का परिणाम है। आप हर जगह संयोग देखेंगे, एक पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे और वे आपको कॉल करेंगे, या किसी व्यवसाय के विचार के बारे में सोचेंगे और अचानक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके पास वे कौशल और संसाधन हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है। ये यादृच्छिक नहीं है, ये हमारे चारों ओर की असीम संभावनाओं के क्षेत्र के साथ जुड़ने का परिणाम है। जैसे ही आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से पुराने सीमित विश्वासों और व्यवहारों को छोड़ देंगे। भावनात्मक ट्रिगर्स अपनी शक्ति खो देंगे। आप परिस्थितियों के शिकार की तरह महसूस करना बंद कर देंगे और अपनी वास्तविकता के निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना शुरू कर देंगे। आपके संबंधों में सुधार होगा क्योंकि आप अपनी बातचीत में अधिक उपस्थिति और करुणा लाएंगे, अधिक स्पष्टता से संवाद करेंगे और अधिक गहराई से सुनेंगे। लोग आपकी शांत केंद्रित ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। आप अपने चारों ओर सकारात्मक सहायक व्यक्तियों को पाएंगे जो आपको प्रेरित और उत्थान करेंगे। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य भी संभवतः सुधर जाएगी। तनाव कई बीमारियों में योगदान देता है और आंतरिक साइलेंस को बढ़ावा देकर आप अपने शरीर को आराम और ठीक होने का मौका देते हैं। पुराने रोग कम हो सकते हैं, ऊर्जा स्तर बढ़ सकते हैं और आपके जीवन में एक जीवंतता का अनुभव हो सकता है। आपके कामकाजी जीवन में भी बदलाव आएगा क्योंकि आप इस सामंजस्यपूर्ण स्थिति को अपने करियर या व्यवसाय में लाएंगे। आप भय के बजाय प्रेरणा से निर्णय लेंगे और रचनात्मक समाधान सहज रूप से उत्पन्न होंगे। उत्पादकता बिना बर्नआउट के बढ़ेगी और सफलता प्रेरित कार्रवाई से आएगी जो आपके सच्चे उद्देश्य के साथ संरेखित होती है। वित्तीय प्रचुरता अक्सर इस सामंजस्य की स्थिति से स्वाभाविक रूप से आती है। जब आप अभाव और कमी की स्थिति से नहीं चलते तो आप समृद्धि के प्रवाह के लिए खुद को खोलते हैं। पैसा आपके उपहारों को व्यक्त करने और अपने उद्देश्य को जीने के साधन बन जाता है, न कि तनाव और चिंता का स्रोत। शायद सबसे गहरा परिवर्तन स्वयं, दूसरों और आपके चारों ओर की दुनिया के साथ गहरे संबंध की भावना है। साइलेंस में आप सभी चीजों की अंतर्निहित एकता में टैप करते हैं, यह महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। यह समझ आपके जीवन में गहरी शांति और उद्देश्य लाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन अचानक पूर्ण हो जाएगा या कि आप फिर कभी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे। जीवन में अभी भी उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन आप इन चुनौतियों का एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से सामना करेंगे। बाधाओं से विचलित होने के बजाय आप कठिनाइयों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखेंगे।
आप एक ऐसी स्थिति विकसित करेंगे जिसे मैं भावनात्मक उत्कृष्टता कहती हूँ। अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए। आप पाएंगे कि आपको नकारात्मक भावनाओं को दबाने या उनसे बचने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप सभी अनुभवों का स्वागत मूल्यवान सूचना स्रोतों के रूप में करेंगे, यह पहचानते हुए कि दर्दनाक भावनाएं भी महत्वपूर्ण सबक ले आती हैं। जैसे जैसे आप साइलेंस का अभ्यास करते रहेंगे, आपकी अंतर्दृष्टि तेज होती जाएगी। आप उस आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीखेंगे जो आपको आपके सर्वोच्च भलाई की ओर ले जाएगा। निर्णय लेना आसान हो जाएगा। आप खुद पर संदेह नहीं करेंगे या दूसरों से लगातार मान्यता नहीं मांगेंगे। अपनी यात्रा में आत्मविश्वास और भरोसे की भावना के साथ जीवन स्पष्टता के साथ सामने आता है। इस यात्रा के सबसे सुंदर पहलुओं में से एक इसका प्रभाव है। जैसे जैसे आप अधिक केंद्रित और शांतिपूर्ण बनते हैं, आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों पर एक शांत प्रभाव डालते हैं। बिना एक शब्द कहे आपकी उपस्थिति तीव्र स्थितियों को शांत कर सकती है या संघर्ष कर रहे लोगों को उठा सकती है। आप अपने उदाहरण के माध्यम से आंतरिक साइलेंस की शक्ति को मूर्त रूप देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी बोलेंगे नहीं या कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके विपरीत, जब आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो आपके शब्द और कर्म गहरे प्रभाव डालेंगे। वे आंतरिक स्पष्टता और संरेखण से उत्पन्न होंगे, न कि प्रतिक्रियात्मक आवेगों या अहंकार प्रेरित उद्देश्यों से। आप समझेंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब कार्य करना है और कब प्रतीक्षा करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं, एक उपदेशात्मक तरीके से नहीं, बल्कि बस एक उदाहरण के रूप में जीकर और अपनी परिवर्तन के प्रति उत्सुक लोगों के लिए खुले रहकर। आप खुद को परामर्श देते हुए, कार्यशालाओं का नेतृत्व करते हुए या कला के माध्यम से अपनी अंतर्दृष्टि व्यक्त करते हुए पा सकते हैं। याद रखें, यह यात्रा किसी अंतिम गंतव्य तक पहुंचने या स्थायी आनंद प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह वृद्धि और विस्तार की एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे समय होंगे जब आप साइलेंस का अभ्यास करना भूल जाएंगे या जीवन के नाटक में फंस जाएंगे। यह ठीक है। कुंजी यह है कि आप लगातार अपने भीतर के उस शांत स्थान पर लौटते रहें। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप शांति और उपस्थिति के तंत्रिका पथों को मजबूत करते हैं, असीम संभावनाओं के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करते हैं और शोर और अराजकता से परे अपनी सच्ची सार को याद दिलाते हैं। जैसे जैसे साइलेंस आपके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जाएगा, आप देखेंगे कि यह आपकी प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। गतिविधि के बीच भी आप उस आंतरिक शांति को अपने साथ ले जाएंगे, अपने सच्चे आत्म में आधार बनाते हुए, जबकि पूरी तरह से दुनिया के साथ जुड़ते रहेंगे। यही वह समय है जब जीवन वास्तव में जादुई हो जाता है। प्रवाह के विपरीत संघर्ष करने के बजाय आप जीवन के साथ प्रवाह करेंगे, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में अपनी वास्तविकता का सहनिर्माण करेंगे। आप उस अवस्था में रहेंगे जिसे कुछ लोग जोन या फ्लो स्टेट कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां बिना प्रयास के उपलब्धि और आनंदमय अभिव्यक्ति होती है। इस अवस्था में आप पाएंगे कि आपको जीवन में जो चाहिए उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह स्वाभाविक रूप से आपके पास आता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपके सच्चे इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सुनता है, क्योंकि आपने मानसिक और भावनात्मक शोर को दूर कर दिया है जो कभी संकेत को बाधित करता था। इसके अलावा आप पाएंगे कि कई चीजें जिनका आप पीछा करते थे, वे आंतरिक रिक्तियों को भरने और बेचैनी को शांत करने के प्रयास थे। जैसे ही आप अपने भीतर संतोष पाते हैं, आपकी इच्छाएं बदल सकती हैं। आप भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा करने के बजाय उन अनुभवों को प्राथमिकता देंगे जो सच्ची संतुष्टि और वृद्धि लाते हैं। सफलता की आपकी परिभाषा विकसित होगी, जो आंतरिक शांति, सकारात्मक प्रभाव और आपके क्षणों की गुणवत्ता पर केंद्रित होगी, न कि बाहरी मापदंडों पर।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएंगे या लक्ष्यों का पीछा करना बंद कर देंगे। इसके विपरीत, आप पहले से कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित रचनात्मकता और उद्देश्य से प्रेरित होकर न कि डर या मान्यता की आवश्यकता से। आप प्रत्येक उभरते हुए क्षण के लिए बस मौजूद और आभारी होने में संतोष पाएंगे।